40-41 हज़ार लड़कियाँ जहाँ से गायब है, जिस प्रदेश से, वह क्या मॉडल बनेगा? प्रधानमंत्री हो और वहाँ से लड़कियाँ गायब हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा निंदनीय तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी लड़कियाँ ही सुरक्षित हैं जहाँ, तो बाकी गुजरात में क्या हो रहा होगा? पूरी तरह से वहाँ प्राइवेटाइजेशन है, जिसको पूरे देश में भी लागू करना चाहिए। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री, समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव पूनम यादव जी हैं, जो मऊ जिले की घोसी लोकसभा क्षेत्र से आती हैं। अभी निकाय चुनाव चल रहा है और 24 की चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लग चुकी है। निकाय का चुनाव का रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी और मेहनत करेगी अपने क्षेत्रों में, कहाँ कमी रह गई, कि कहाँ पे मजबूत है, कहाँ पे कमज़ोर है, ये तमाम सारी बातें हैं। आइए हम सबसे पहले पूनम जी से जानते हैं कि अभी निकाय चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का प्रचार का आज अंतिम दिन है, कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव बहुत शानदार चल रहा है और हम सब मिल करके सरकार बनाने की जो प्रथम सीढ़ी है, पूरा प्रयास हमारा है कि हम नगर निकाय चुनाव की जो भी सीट्स हमारे जो प्रत्याशी उनको हम जिताएं और आगे लोकसभा की समझ लीजिए तैयारी हम लोग की। पूनम जी, आप लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, निकाय चुनाव को हम सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं। हम बात करें अभी जिस तरह से गुजरात में एक NCRB का डाटा है जिसमें 41,360 महिलाएँ गायब हैं, क्या कहेंगे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मोदी जी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं और गुजरात मॉडल जो लेकर के दिल्ली पे आए थे ये और केंद्र की सरकार बनाए, वह पूरी तरह से आप सबके सामने है कि 40-41 हज़ार लड़कियां जहां से गायब है, जिस प्रदेश से, वह क्या मॉडल बनेगा? तो यह उनका बहुत ही ख़राब और बुरा मॉडल रहा हम महिलाओं की तरफ से। लेकिन BJP हमेशा किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है तो गुजरात मॉडल की बात जरूर करती है, कहती है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास हमने गुजरात में किया, लेकिन ये जो डाटा है ये काफ़ी बहुत ही निंदनीय है भाई, 41,000 महिलाएं गायब होना। तो जो BJP गुजरात मॉडल की बात, आप गुजरात मॉडल की बात कर भी रही हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखें? देखिए, शुरू में तो उन्होंने जो सपना दिखाया सबको और लोगों को लगा कि शायद कुछ है मोदी जी में, कुछ ऐसा है कि गुजरात मॉडल को लेके बहुत चर्चा चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको हम लोगों ने या लोगों ने समझा, पूरे देश के लोगों ने समझा और उसका जो आज का रिजल्ट है कि 41,000 लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ जहाँ से, जिस प्रदेश से गायब हों, वह सरकार जहाँ का प्रधानमंत्री हो और वहाँ से लड़कियाँ गायब हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा निंदनीय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम आधी आबादी हैं और हमारा भी वोट उनको चाहिए और जब हमारी लड़कियां ये सुरक्षित हैं जहां, तो बाकी गुजरात में क्या हो रहा होगा? पूरी तरह से वहां प्राइवेटाइजेशन है, जिसको पूरे देश में भी लागू करना चाहते हैं और सरकारी नौकरियाँ ख़त्म करते जा रहे हैं, यही उनका गुजरात मॉडल है, हमें ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। मैडम, हम बात करें, आप आधी आबादी की बात कर रही हैं, अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रही हैं, यौन शोषण मामले में उनके साथ शोषण हुआ है, तमाम महिला और तमाम किसान, तमाम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, समाजवादी पार्टी किस नज़रिए से देखती है? पार्टी तो यही चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो और हमारी जो बेटियाँ हैं उन्हें पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए और जो उनके साथ हुआ है और वह बहुत ही निंदनीय है, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। एज अ महिला औरत मैं ये कह सकती हूँ कि कोई बेटी या कोई औरत सार्वजनिक रूप से आके नहीं कहेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो कह रही हैं कि उनका शारीरिक शोषण किया गया है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना अपने मन को, अपनी आत्मा को मार करके और कितना दुखी, उनका मन कितना दुख हुआ होगा, यह कल्पना हम महिलाएं कर सकते हैं कि उन्होंने ओपनली आके अपनी बात को रखा कि हमारा शारीरिक शोषण हुआ है। और जहाँ तक जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, जो हमारी प्लेयर्स हैं, उसके अलावा जो बहुत कम एज की जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जो शारीरिक शोषण हुआ, वह तो बहुत ही दुखद है। और भारत जैसे देश में जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ हमारी बेटियाँ सुरक्षित ही नहीं हैं, तो और वो भी भाजपा के सांसद जी हैं,
और उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया जा सका। वो कितने पावरफुल हैं कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो उनको अरेस्ट नहीं करा पा रही, या उनके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो FIR के लिए आदेशित किया है और उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सका, यह बहुत ही राष्ट्र के प्रति और महिलाओं के प्रति जो माननीय मोदी जी की और भाजपा की सोच है वह दर्शाती है कि उनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव पूनम यादव जी थी, जो साफ तौर पर कहना है कि हमें भारत में हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात करती है BJP और वहाँ जो NCRB का डाटा आता है और 41,000 से ज़्यादा लड़कियाँ गायब होने का जो डाटा मिलता है, गुजरात मॉडल से काफ़ी नाराज़ कहना है कि हमें विकास की बात करनी है, काम करना है, ना कि गुजरात जैसे मॉडल को देश में बनाना है।